जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज दोस्तों आपको दिखा देते हैं इस सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि कैसा लग रहा है देखने में। राधे बेटा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय कैसा माहौल है श्री कृष्ण जन्मभूमि का। दर्शक लोग कितने आ रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से एंट्री खाली है, आपको दर्शक नहीं दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये नज़ारा। एकादुख का ही जो दर्शक पर्यटक हैं वो आ रहे हैं, पूरी तरह से मंदिर आपको खाली दिख रहा है। तो आप सभी भक्तों यहाँ पर आए दर्शन करें श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर का गेट बन रहा है, यहाँ झंडा लग रहा है आपको नजर आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने ऊपर की नज़र, राधे बेटा। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये नज़ारा। तो आप इस तरफ देखेंगे कृष्ण जन्मभूमि का ये नज़ारा, इस तरफ श्रद्धालु लोग भी आए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। रात में जन्मभूमि कैसा लग रहा है आप सभी भक्तों देखें और दर्शन करें भगवान की श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर। कि कैमरा ऊपर अलाउड नहीं है तो दोस्तों इस वजह से हम कैमरा ऊपर ले जा नहीं सकते, तो आप लोग को बाहर से दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो आप सभी दर्शन करें सभी भक्तों। जी आप ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का इस सावन के महीने में बारिश के दौरान। शाम के वक्त आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि कैसा ये दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, भगवान का जन्मस्थली श्री कृष्ण जन्मभूमि का। देखो सभी दोस्तों, तो आप इस तरफ देखेंगे दोस्तों ये मार्केट, कृष्ण जन्मभूमि के सामने की मार्केट आप देखें दोस्तों। दोस्तों ये मार्केट आप देखें श्री कृष्ण जन्मभूमि की, यहाँ आपको आपकी इच्छा के अनुसार सभी वो प्रोडक्ट्स सामान मिलेगा जो पूजा के स्तर के काम में आ जाती है। आप दर्शन करें ऊपर से श्री कृष्ण जन्मभूमि का नज़ारा, आपको दर्शन होटल मिलेंगे आपको, तो आप सभी दर्शन करें। रात का ही नज़ारा आप देखें सभी वक्त दर्शन करें श्री कृष्ण जन्मभूमि का कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का नज़ारा, आगे का रेस्टोरेंट का मार्केट भी है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ हैवी सिक्योरिटी में आप देखेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि का नज़ारा, यहाँ सभी रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे आपकी इच्छा के अनुसार, यहाँ आप भूखे नहीं रह सकते। तो दोस्तों आप पूरी मार्केट देख रहे हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर अभी पोतर कुंड भी दिखाएंगे दोस्तों, तो आप इस वीडियो में बने रहें। इस श्री कृष्ण जन्मभूमि की मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पर, भगवान का वो पोतर कुंड भी दिखाएंगे यहाँ पर, जन्म के बाद माता देवकी ने उनके कपड़े धोए थे। तो आप सभी भक्त बने रहें श्री कृष्ण जन्मभूमि में, आप पूरी वीडियो देखें, पूरी मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो दोस्तों श्री कृष्ण की ये मार्केट जन्मभूमि, रात का व्यू कैसा लग रहा है दिख रहे हैं आप। देखो दोस्तों श्री कृष्ण जन्मभूमि का मार्केट, देखो दोस्तों बरसात होने की वजह से दोस्तों मौसम चेंज हो गया अब, तो भक्त लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, सर टूरिस्ट प्लेस के सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप सभी भक्त यहाँ आ सकते हैं दर्शन करें भगवान की श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये नज़ारा। चलो दोस्तों थोड़ा आपको आगे से दिखा देते हैं। तो दोस्तों आगे का आप नज़ारा देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर का नज़ारा आप देखें सभी भक्तों, अंदर का कैसा व्यू है आप देख रहे हैं यहाँ पर।
बारिश होने के बाद कैसा लग रहा है अब? सभी टूरिस्ट प्लेस के सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इस पेड़ के नीचे, मनोहर दृश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का। तो ये मार्केट आप देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का अंदर आप देख रहे हैं सभी दोस्तों। इस तरह सामान घर भी आप देखेंगे यहाँ पर, जो बाहर के टूरिस्ट लोग आते हैं अपना सामान जमा करते हैं सामने स्टोर पर। और ये एंट्री गेट एग्जिट गेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो दर्शक लोग हैं दर्शन करके आ रहे हैं अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। चलो दोस्तों थोड़ा आपको आगे से और दिखा देते हैं आगे का व्यू क्या है इसमें। तो जो पर्यटक बाहर से आए हैं वो यहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप मार्केट का नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर की मार्केट का है पूरी मार्केट। देखो दोस्तों यहाँ आपको पूरा सामान मिलेगा भगवान का, पूजा से संबंधित पूरा सामान। तो आप सभी भक्तों आए दर्शन करें भगवान के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। तो दोस्तों कितना दिव्य नज़ारा लग रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का। दोस्तों एक ही प्रॉब्लम है कि हम आपको अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, हेवी सिक्योरिटी है। पूरे प्लेस आप देखेंगे सामने, आप देख सकते हैं दोस्तों हेवी सिक्योरिटी के अंदर आप देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे का नज़ारा आप देखेंगे। तो दोस्तों बाहर का नज़ारा अभी आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का। चलो आपको बाहर से और दिखा देते हैं कैसा लग रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि रात का व्यू। तो वीडियो आपको लंबी होने वाली है, जिन भक्तों को दर्शन करना है वो आप सभी भक्त आए हैं इस श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। देखो दोस्तों पूरा व्यू आप श्री कृष्ण जन्मभूमि का देख रहे हैं आप। देखो दोस्तों रात का व्यू श्री कृष्ण जन्मभूमि, देखो दोस्तों कैसा लग रहा है नाइट व्यू। तो दोस्तों आप सभी दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के। तो दोस्तों अभी आपको हम कोताकुंड भी ले चलेंगे। इस लंबी वीडियो में आप सभी भक्त लोग देखें और घर बैठे भगवान के प्रणाम करें, आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली दोस्तों। आप सभी आराम से दर्शन कर सकेंगे और खाएंगे पिएंगे और भगवान के दर्शन करके घर जाएंगे। ये गोविंदनगर आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर जगन्नाथपुरी का रास्ता, इधर से भी आ सकते हैं भगवान के दर्शन करने हेतु। तो दोस्तों चलो आप आगे चलते हैं। आप जय श्री राधे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी बने रहें श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर, रात का व्यू कैसा लग रहा है दोस्तों आप देखें श्री कृष्ण जन्मभूमि का। तो दोस्तों अभी सभी व्यक्ति लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आगे को दिखा देते हैं। चलो आपको कोताकुंड ले चलते हैं दोस्तों। तो आपने बाहर का नज़ारा देखा दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि का कैसा लग रहा है दूर से देखने में पूरा व्यू। रात में कैसा लग रहा है कृष्ण जन्मभूमि। तो दोस्तों चलो आपको आगे का व्यू दिखा देते हैं। चलो दोस्त थोड़ा आगे का व्यू दिखा देते हैं आपको। कोताकुंड ले चलते हैं, यहाँ भगवान के जन्म के बाद उनका कपड़े धोए थे माँ देवकी ने। तो आप सभी भक्त बने रहें। नाइट व्यू भगवान की जगन्नाथ की, भगवान कृष्ण की जगन्नाथ के ये मंदिर आप देखेंगे सामने से। तो दोस्तों पूरी मार्केट का आप देख रहे हैं आप सामने से,
नाइट व्यू कैसा लग रहा है देखने? दिव्य नज़ारा सामने, इस तरफ भी मार्केट देखेंगे दोस्तों, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली दोस्तों। चलो दोस्तों आपको पोत्राकुंड ले चलते हैं। तो दोस्तों ये नया गेट बनाया श्री कृष्ण का। तो दोस्तों आपको पोत्राकुंड सामने दिख रहा होगा, चलो दिखा देते, पास से दिखा देते हैं। रात में कैसा लग रहा है दोस्तों? जी पोत्राकुंड, जी पोत्राकुंड के सामने की आप रास्ता देखेंगे जो गोविंद नगर की तरफ गया है। तो दोस्तों पहले पोत्राकुंड का बोर्ड आपको दिखा देते हैं। जी दोस्तों पोत्राकुंड का बोर्ड आप देख रहे हैं, मथुरा वृंदावन का। तो दोस्तों जी पोत्राकुंड आप देखेंगे सामने से, देखो दोस्तों पोत्राकुंड आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यही पोत्राकुंड आप देखेंगे, ये वही पोत्राकुंड है दोस्तों, भगवान कृष्ण के बाद में देवकी ने उनके कपड़े धोए थे, उसी पोत्राकुंड में दोस्तों। देखो दोस्तों रात का नज़ारा आप देखें, आप सभी भक्त देखें यहाँ दर्शन करें। मल्लपुरा भी सामने, मल्लपुरा में आता दोस्तों ये पोत्राकुंड। तो दोस्तों यही पोत्राकुंड आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, रात का दिव्य नज़ारा इस पोत्राकुंड का आप देखें सभी भक्तों। श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने ही दोस्तों ये पोत्राकुंड। हो सकता है रात में आपको सही नहीं दिख रहा हो, लेकिन यही पोत्राकुंड है दोस्तों, यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म के बाद महादेव जी ने उनके कपड़े धोए थे इसी जगह। देखो दोस्तों पास में कैसा लग रहा है, दिव्य भव्य नज़ारा इस पोत्राकुंड का, श्री कृष्ण जन्मभूमि का। तो ये गेट भी आप देखेंगे इधर से जो मल्लपुर की तरफ जा रहा है, और इधर ये रास्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ जाता हुआ। तो आप सभी भक्तों दर्शन करें भगवान के इस मंदिर का। बारिश होने की वजह से मौसम भी सही हो गया दोस्तों, आप सभी दर्शन करें यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देखा पोत्राकुंड, आप थोड़ा वापस ले चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर, और इस वीडियो को एंड ऑफ करते हैं। आप सभी दर्शन देखें श्री कृष्ण जन्मभूमि का नज़ारा। इस समय टूरिस्ट लोग भी कितने आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, रात में सभी भक्त लोग दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पर, पूरे देश और दुनिया से सभी भक्त लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो आप दर्शन करें यहाँ पर, तो आप सभी भक्त दर्शन करें इस टूरिस्ट प्लेस श्री कृष्ण जन्मभूमि का। देखो दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं, वापस आपको रिटर्न लेके आ गए हम श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। रात का व्यू नज़ारा श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो आप सभी भक्त दर्शन करने आए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, दिव्य नज़ारा इस जन्मभूमि का, श्री कृष्ण जन्मभूमि आप सभी भक्त दर्शन करें। जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों इस तरफ भी रास्ता आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का। एक जो है तो दिव्य नज़ारा आप सभी भक्त दर्शन करें भगवान के। तो दोस्तों अभी समय बादल है, तो बादल रात में दिख रहा है कैसा नज़ारा है, तो आप सभी दर्शन करें भगवान के। और तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जी प्रवेश द्वार, महिला का प्रवेश द्वार है। इस तरफ से महिलाएं जाती हैं और इस तरफ से जेंट्स लोग जाते हैं, बोले तो हम लोग। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधा रानी की जय हो।